सरकार नहीं सुन रही महिला बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की बात। यह परियोजना 1974-75 से संचालित है। इस संस्था में पैसे कम काम ज्यादा लिया जा रहा है, कार्यकर्ता परेशान है। कोरोना काल में महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को अपनी मांगों को लेकर करना पड़ रहा है हड़ताल। मार्च की चिलचिलाती धूप में कार्यकर्ता बिना पंडाल के कलेक्ट्रेट रोड में बैठी हैं हड़ताल पर। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संगठन भोपाल की तरफ से मंडला जिले में भी अपनी मांगों और परेशानियों को लेकर शासन से गुहार लगाने हड़ताल में भी हुई है। संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए अभिलाषा राय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मलारा ने जानकारी देते हुए प्राइम एटी न्यूज को अपनी परेशानियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश अनुसार पोषण ट्रैक्टर ऐप डाउनलोड एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की उपस्थिति नाश्ता एवं भोजन की फोटो एवं ऑनलाइन कार्य करना मुश्किल है, लेकिन अधिकारियों द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि इस विषय पर 27/3/2021 को कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री से लेकर जिले तक अपना आवेदन दिया था। मांग पूरी न होने पर 1 अप्रैल से हड़ताल में बैठने की बात की थी, जबकि कार्यकर्ताओं के पास स्मार्ट मोबाइल एवं बैलेंस नहीं है। अधिकांश कार्यकर्ता कम पढ़ी लिखी हैं, उन्हें ऑनलाइन कार्य करना नहीं आता है। ग्रामीण इलाकों में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता है एवं इतने कम मानदेय में कार्यकर्ता का इस महंगाई में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। समय पर मोबाइल द्वारा कार्य नहीं होने पर अधिकारियों द्वारा सेवा निवृत्ति की धमकी दी जाती है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को मानसिक तनाव उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने बताया कि 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 1500 रुपये बढ़ाए थे, जो अभी तक नहीं मिले, जिसे एरियस के रूप में कार्यकर्ताओं को दिया जाए और समस्त कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाए एवं वर्तमान में जो संपर्क ऐप के जरिए कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए मोबाइल डाटा फीडिंग में आने वाले सभी व्यय का भुगतान शासन द्वारा कराए जाने की मांग की गई है। शासन को इस गंभीर विषयों पर जल्द ही कोई निर्णय लेना है। मंडला से असगर जैदी की रिपोर्ट। हम लोग मध्य प्रदेश बुलंद आवाज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की सभी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहनें हैं, मंडला जिले से हैं सभी लोग। और आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन का प्रथम दिन है, जिसका मुख्य कारण है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो नया ऐप है पोषण ट्रैकर ऐप, वो हमारे से डाउनलोड कराया जा रहा है, जिसमें हमें दैनिक उपस्थिति भी देनी है और दूसरी चीज़ें भी उसमें करनी है, जिसका हम लोग सख्ती से विरोध कर रहे हैं। लोग कहाँ कहाँ से यहाँ? सभी पूरे मंडला जिले के सभी ब्लॉक से लड़कियाँ आई हुई हैं। विभाग क्या है हमारा? महिला बाल, मेरा नाम अभिलाषा राय है, मैं महिला बाल विकास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ केंद्र मलारा से। तो आप क्या चाहती हैं सरकार से? हम पहली बात तो ये चाहते हैं कि जो भी ऑनलाइन हमसे कार्य कराया जा रहा है तो सरकार के द्वारा हमें एंड्रॉयड मोबाइल दिए जाएं और उसका जो डाटा बैलेंस का जो खर्च आता है वो भी हमें हर माह समय पर उपलब्ध कराया जाए। और दूसरी बात ये है कि जो पोषण ट्रैकर ऐप में दैनिक उपस्थिति है, ई अटेंडेंस, उसका हम विरोध करते हैं।